हाय टीम। तो अभी हम लोग अंधेरी ईस्ट का स्टोर के लिए शॉप विजिट कर रहे थे। तो अभी हम लोग खड़े हैं अंधेरी ईस्ट में, मुगराबाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो अगर ये बात करेंगे हम लोग, आगे रोड है, मेन रोड है, वहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे, तब भी हम लेफ्ट जाके फिर हम राइट जाके फिर हम लेफ्ट जाएंगे तो मेट्रो स्टेशन अंधेरी स्टेशन पहुँच जाएंगे। लेफ्ट जाएंगे फिर राइट जाएंगे तो हम लोग वही बीएमसी ऑफिस, मेट्रो स्टेशन, अंधेरी स्टेशन वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। और ये एरिया पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। सामने आप देख रहे हैं, ये भी इधर भी पूरा अंदर इंडस्ट्रियल एरिया चला जाता है अंदर, तो ये बाहर कनेक्ट नहीं होता है, ये अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है। जो अपना शॉप है ये इस बिल्डिंग में अपना फर्स्ट फ्लोर है, ये वाला फ्लोर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फ्लोर अपना है। ये अपना एंट्री गेट है। तो आसपास बात करेंगे तो ये अपने ठीक सामने प्रॉपर्टी के ये एक तबेला है, फिर हम आते हैं अंदर। तो वैन विजिबिलिटी तो यहाँ से आराम से हो सकती है, यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ अंदर भी आराम से वैन चला जाएगा। कम से कम 16 फीट का इसका डिस्टेंस है। पार्किंग के लिए अगर अपन बात करेंगे तो पार्किंग हम यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी हम लोग सामने ठीक कर सकते हैं, अपना एंट्री गेट उधर है और ठीक वहाँ पे भी पार्किंग कर सकते हैं। ये एक सिक्योरिटी गार्ड रूम्स है। तो ऊपर पूरी बिल्डिंग ही कमर्शियल है, पूरे फ्लोर पे लोग अपना शॉप्स ओपन किए हैं, फैक्ट्री है, शॉप है, ऑफिस है। तो ये अपना एंट्री गेट है जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। इसकी हाइट है 6 फीट 9 इंच है, 6.9 फीट है और 5 फीट ये चौड़ी है। फिर पार्किंग से अगर मैं बात करूँ तो कितना अपना डिस्टेंस है तो वो मैं देख लेता हूँ। तो ये अपनी पार्किंग है, 47 तो 47 पार्किंग से 47 कदम पे हम लोग अपनी शॉप्स पे आ जा रहे हैं। ये अपना शॉप है, ये इसके अंदर अपना शॉप रहेगा और 4 फीट 9 इंच का ये सीढ़ी है। तो यहाँ से हम अगर अपना कुछ एसेट भी लाना चाहेंगे तो आराम से आ जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आराम से आ जाएगा। हाइट भी लगभग 10 फीट इसकी हाइट है और 4 फीट 9 इंच इसकी सीढ़ी की लेंथ है। फिर ये ऊपर चला जाएगा। अगर ये बगल में बात करेंगे तो ये है मेंस कनेक्ट कंप्यूटर्स और ये सामने ऑफिस है। फिर बगल में ये अपनी प्रॉपर्टी है और यहाँ से लगभग 7-8 कदम पे ये एक लिफ्ट बना हुआ है, ये ओवरऑल हर कोई यूज़ कर सकता है। ये ऊपर सीढ़ी चली जाती है और ये लिफ्ट बना हुआ है। तो कभी वैन से सामान भी लाना है तो अपना लिफ्ट
के द्वारा आ भी सकता है। कॉमर्स इंडस्ट्रियल लिफ्ट ही है चैन वाला। फिर ये अंदर ऑफिस है ये सारे। फिर अभी चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये अपना शॉप है, इसकी 3.5 फीट एंट्रेंस है। ये सामने एक वॉशरूम बना हुआ है। ये पहले एक ऑफिस था। तो ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये वुडन के ही हैं। तो बिल्डिंग की हालत ख़राब है, मतलब काफ़ी जगह ब्रेक हो गई है दीवार्स। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये वुडन का था, तो अगर इसको रिमूव कर देंगे तो अपने को अच्छी खासी हाइट मिल जाएगी। फिर एक सेकेंड डोर के लिए अपने पास ये है, मतलब एक डोर अपना ये रहेगा एंट्रेंस के लिए, और सेकेंड डोर के लिए जस्ट इसके बगल में ही है। अगर इसको हटा देते हैं तो ये डोर अपना हो जाएगा, तो सेकेंड डोर एबिलिटी अपने पास है। फिर एक दूसरा वॉशरूम बना हुआ है। तो एक वॉशरूम अपन तोड़ देंगे, हटा देंगे, तो दूसरा वॉशरूम अपन काम अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन भी है। प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब ये अपना फ्रंट है, तो फ्रंट में भी आप देख रहे हैं विंडोज़ लगे हुए हैं, तो फ्रंट में भी अगर अपन करना चाहेंगे वेंटिलेशन तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। राइट साइड में भी कर सकते हैं यहाँ पे, और बैक साइड में भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा टेनेंट अपना ऑफिस है बगल में रह रहे हैं। तो ये देखिए वेंटिलेशन के लिए, ये सामने रोड है। तो इसको इस ऑफिस उड़न ऑफिस ये जो बना हुआ है इसको हटा देंगे तो अपने को पूरा एरिया मिल जाएगा। नीचे जो ये देख रहे हैं नीचे ये टाइल्स ही है। तो अगर लेंथ और ब्रिथ की बात करेंगे तो अपना उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक अगर बात करेंगे तो 18 फीट इसका ब्रिथ है। लेंथ की अगर बात करेंगे तो उस कॉर्नर से लेके उस विंडोज़ तक मतलब 42 फीट है। तो 750 मतलब 662 स्क्वायर फीट है 700। तो एरिया तो प्रॉपर है। हाइट की अगर बात करेंगे तो टोटल 10 फीट इसकी हाइट है, अगर वो सीलन से और ग्राउंड तक बात करेंगे तो 10 फीट है। अगर ग्राउंड से लेके सिर्फ बीम तक बात करेंगे तो अपना 8 फीट 3 इंच है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी, फिर वाटर, रेंट, इन सब चीज़ों के लिए अभी ऑनर से बात नहीं हुआ है, तो अभी ऑनर से बात करके आगे अपडेट करेंगे। तो अभी हम बाहर चलते हैं। तो ये सामने जैसे प्रॉपर्टी के निकले अपने शॉप के, ये लिफ्ट लगा हुआ है, ये ऊपर जाता है, ये अंदर ऑफिसेस हैं। फिर हम लोग ये नीचे आ जाते हैं। तो एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं नीचे कितना दूर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 25 स्टेयर हम लोग नीचे आए हैं और ठीक अपना पार्किंग एरिया पे आ गए हैं। सामने अगर बात करेंगे तो ये अपना सामने ड्रेनेज बना हुआ है, ये आप देख लीजिए। ये चैम्बर्स ही है, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। फिर
फिर मैं बैक साइड भी दिखा देता हूँ। तो ये अपनी प्रॉपर्टी है, वहाँ से उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। ये बैक साइड में है, तो अगर ये भी बैक साइड में कमर्शियल बिल्डिंग है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया ही है, तो ये अपना फैक्ट्री है, ऑफिसेस है, तो ये अपना एरिया है। अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर लेते हैं तो 20-22 फीट है आराम से। तो अगर वेंटिलेशन भी करते हैं तो फिर ये ऊपर हवा चला जाएगा, मतलब यहाँ इफेक्ट नहीं करेगा।